नमस्कार दोस्तों, एक मेरे पास रिसीवर आया है रिपेयर करने के लिए। देख सकते हैं एसटीसी है कंपनी, इसमें प्रॉब्लम है। पावर सप्लाई देख रहे हैं ये शॉर्ट हो चुका है, रिपेयर करने लायक नहीं है। इसमें नया पावर सप्लाई लगाए हैं, जो कि मार्केट में ये पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं था, मिला है। ये देख सकते हैं जनरल पावर सप्लाई मिला है, जो सब सेटर बॉक्स में रहता है। ये वाला नहीं था, ये वाला में 5 वायर है लगा हुआ, देख सकते हैं 5 वायर है इसमें, इसमें 6 वायर है। इसमें कनेक्ट कैसे करना है इसमें दिखा सकते हैं। देखिए इसमें जूम करके दिखा रहे हैं, 3 वोल्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 3 वोल्ट, उसके बाद नेक्स्ट है 15 वोल्ट, उसके बाद है 20 वोल्ट नेक्स्ट, उसके बाद ग्राउंड ग्राउंड 2 वायर है। इसमें आपको वोल्टेज को चेक कर लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वोल्ट ग्राउंड 24 वोल्ट, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको देखना है मीटर से चेक करके। ग्राउंड वाला वायर है, 2 ग्राउंड वायर डालना है, उसके बाद जो 24 वोल्ट है ये 20 वोल्ट में डाल देना है, और जो 15 वोल्ट है ये जो यहाँ 12 वोल्ट दिखा रहा है, 15 वोल्ट में आपको कनेक्ट करना है इस पावर सप्लाई का अथी पर वायर में, उसके बाद आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं ऑन करके, मेरा कनेक्शन किया हुआ है, देख सकते हैं कनेक्शन कर दिए हैं, देख सकते हैं 5 वायर में, देख सकते हैं आपको बोर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं ऑन हो चुका है, देख सकते हैं ऑन हो गया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।